नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। 1977 के दशक में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति मानदेय के आधार पर 50 रुपये प्रति माह पर किया गया था, जिनका काम कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डालना, लोगों को मलेरिया आदि की दवा बांटना था। लगातार कई सालों तक इनसे सरकार ने कार्य लिया, लेकिन इसके बाद इनका रिन्यूअल नहीं किया गया, जिसको लेकर यह लोग हमेशा संघर्ष करते रहे। वहीं एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के बाद इन लोगों का पुनः रिन्यूअल करने की उम्मीद जग गई है। अगर इन लोगों की बात माना जाए तो इन लोगों की बात कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और स्वाति सिंह से हुई है, जिन्होंने इन लोगों का सर्वे कराकर पुनः बहाली की बात कही है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने 6 ब्लॉकों की सर्वे सूची की रिपोर्ट नहीं भेजी है, जिसको लेकर यह लोग मासिक बैठक के तहत चर्चा किए, जिसमें आसपास के जनपदों के पदाधिकारी भी शामिल रहे। यह है कि सरकार से जो है आया निर्देशालय से आदेश आया हुआ था कि जन स्वास्थ्य रक्षकों को बहाल किया जाए, और उसके बाद जो है सर्वे सूची मांगी गई थी। ये यहाँ के बाबूओं की कमी, ब्लॉक वाइजों के बाबूओं की कमी से ये अभी मेरे यहाँ 6 ब्लॉक की सूची नहीं गई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। और हम अभी हाल में मांग लेकर के गए थे और रीता बहुगुणा जी ने आश्वासन दिया था कि जो है आज जितने जन स्वास्थ्य रक्षक हैं वो पुराने ही बहाल किए जाएंगे, क्योंकि मेरे जितने जन स्वास्थ्य रक्षक भाई हैं ये ठगे जा रहे हैं। उनके जगह ये तमाम जो है नौकरी दिलाने वाले चाहे प्रदेश के हों। लोगों की नियुक्ति कब हुई थी और कब हटाई गई? सन 1977 में हम लोगों की नियुक्ति मात्र 50 रुपये पर हुई थी, और उसके बाद हम लोग जो है 24 वर्ष इस सरकार की सेवा किए और जनता की सेवा किए। दूर दराज गाँव में हम लोगों को 3 दवाइयाँ मिलती थी, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, और हम लोग जो है मलेरिया में, परिवार नियोजन में, कुष्ठ में, गांव-गांव में कुओं में दवा डालना, ये हम लोगों के भाई जो है ये कार्य किए। सन 2002 में हम लोगों की संस्था को एकाएक बंद कर दिया गया। ये केंद्र की संस्था थी, लेकिन केंद्र ने उठा करके प्रोविंशियल संस्था को दे दिया। प्रोविंशियल हम लोगों का बैठक, चूँकि गाजीपुर के लोग और जनपद के लोग हर माहवारी बैठक अपने अपने डेट में करते हैं, आज उसी तरह की बैठक हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा यह सर्वे करने का, ग्राउंड सर्वे हो रहा है कि कितने लोग हमारे मर गए और कितने लोग जिंदा हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है अभी विचार कर रही है कि कैसे कहाँ पर इन लोगों से काम लिया जाए। चाहते हैं कि यहाँ 5 को मीटिंग होती है, गाजीपुर बलिया 20 को होती है। 20 को मीटिंग थी तो उसमें हम लोग प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी को अपना ये हम लोग बुलाए थे, वहाँ मीटिंग हुई, वो आश्वासन दिया और कहे कि चलिए लखनऊ आप लोग आइए, स्वाति सिंह से और रीता बहुगुणा जोशी से वार्ता होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, अगर नई बात बनती है तो JP नड्डा के यहाँ लखनऊ भी चल, अरे कल दिल्ली भी चलेंगे, हम आप लोग का कार्य कराएंगे। हम लोग गए थे लखनऊ, स्वाति सिंह से भी बात हुई, रीता बहुगुणा जोशी जी से भी बात हुई, वो लोग आश्वासन दिए कि आप लोग की फाइल चल रही है और बहुत जल्द ही आप लोग की फाइल पर जो है कार्रवाइयाँ होकर के, मैंने लास्ट स्टेज में चल रही है।